गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अतुल राणा एंड आई एम बैक विथ 12th केमिस्ट्री. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग द सॉलिड स्टेट. ओके, सो टुडेज लेक्चर इज ऑन इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स. ओके, इम्परफेक्शन इन सॉलिड मतलब सॉलिड में क्या कमी रह सकती है. सपोज देर आर टू टाइप ऑफ इम्परफेक्शंस. वन इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड इज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स. वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड इज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स. दो डिफेक्ट्स होते हैं. अब वैकेंसी डिफेक्ट्स नाम से पता, वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से पता चल रहा है कि बीच में कोई वैकेंसी बन जाती है. मान लो वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ाता हूं, वैकेंसी डिफेक्ट. जैसे एक सॉलिड था, उसकी रेगुलर अरेंजमेंट थी. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, इसकी ऐसे अरेंजमेंट थी. ओके, अब क्या हुआ कि इसमें से एक अनायन निकल गया और एक कटायन निकल गया. ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट में से एक अनायन निकल गया, कटायन निकल गया, तो क्या हुआ, वैकेंसी आ गई ना, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट. ओके, दीज आर वैकेंसी डिफेक्ट्स. अब सेकंड है वो है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स. ओके, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट मान लो यहां पे फिर से नेगेटिव था, यहां पे पॉजिटिव था. ठीक है, तो इंटरस्टीशियल डिफेक्ट का मतलब होता है इंटरस्टीशियल साइड्स, ये जो बीच में गैप बच गए ना, उनको बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइड. तो यहां से मान लो एक टाइम होगी अपनी पोजीशन छोड़ के, और ये जो इंटरस्टीशियल साइड है, देखो ये बीच में जगह जो बच रही है ना, इसके बीच में जाके चलेगी, इसके बीच में चलेगी, अपनी रेगुलर पोजिशन छोड़ के कोई इंटरस्टीशियल पोजिशन ऑक्यूपाई कर ली, तो कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया ना. ये दिस इज नॉट अ रेगुलर अरेंजमेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स. सो टू काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर, वन आर इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स एंड सेकंड आर वैकेंसी डिफेक्ट्स. दोनों डिफेक्ट्स हो गए. ठीक है, अब इसकी आगे भी कैटेगरीज है. ये तो दो के हिसाब से मैंने बता दिया, आगे देखो कैसे हो सकती है. आगे डिफेक्ट्स होते हैं, इम्परफेक्शंस होती है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. ओके, एंड दूसरे होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है कि इस डिफेक्ट की वजह से एटम के ओवरऑल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो क्रिस्टल है उसके ओवरऑल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. और ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज पे फर्क पड़ जाए, अब वो क्रिस्टल का न्यूट्रल नहीं रहेगा, तो प्लस चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, उसको बोलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. ये आगे देखो दो टाइप के हैं. फर्स्ट आगे फ्रैंकल डिफेक्ट और सेकेंड आगे शॉर्टकी डिफेक्ट. ठीक है, ये दो टाइप के आगे, ये आगे भी दो टाइप के आगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड आ गया जिसका मेटल डेफिशिएंसी. ये मेटल कम हो गया, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. स्टोइकोमेट्री में दो है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल. ठीक है, सो फर्स्ट में लूंगा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मतलब जिसमें स्टोइकोमेट्री खराब नहीं होती है, ओवरऑल जो उसका चार्ज है वो वैसे रहेगा. ठीक है, फर्स्ट आ गया स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया, उसमें एक आ गया शॉर्टकी डिफेक्ट. ठीक है, अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट नाम से पता लग रहा है शॉर्ट होता है कुछ. जैसे मान लो रेगुलर अरेंजमेंट थी, प्लस माइनस. ये दिखाई का कोई क्रिस्टल था सॉलिड का, उसकी ऐसे अरेंजमेंट थी. अब शॉर्ट की डिफेक्ट में कुछ चीज शॉर्ट होगी, तो मान लो यहां से एक कटाइन निकलेगी,
ठीक है, तो यहां से एक अनायन भी निकल जाएगी, यहां से मान लो एक अटाइन निकल गई ना, तो यहां से एक अनायन निकल जाएगी, यहां से प्लस निकला तो यहां से माइनस निकल गया, तो इसमें दोनों आइस निकल जाती हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइस, दोनों आइस क्या होती है शॉर्ट हो जाती है या निकल जाती है, लीव द क्रिस्टल लैटिस, लीव द क्रिस्टल लैटिस, लीव द क्रिस्टल लैटिस। ओके, ये जनरली किसके कौन से सॉल्ट देते हैं, जिनके आयन का साइज बराबर हो, जैसे कि दिस एग्जांपल NaCl, KCl या HBr, ठीक है, तो उसमें अगर एक Na जाएगा यहां से तो एक Cl भी निकल जाएगी, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी बनी रही ना, तो उसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री बरकरार करके रखी उन्होंने, स्टोइकोमेट्री बरकरार है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि एक एक अनायन निकल गया, एक अटाइन निकल गया, तो उसमें डेंसिटी कम हो जाती है क्रिस्टल की, इसमें डेंसिटी करती है कम हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट में डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, अब अगला एक डिफेक्ट आ गया किसी का, जिसमें स्टोइकोमेट्री खराब नहीं होगी, जितना 400 तो नहीं रहा, ठीक है, अगला जो डिफेक्ट आ गया दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, अगला जो डिफेक्ट आ गया स्टोइकोमेट्री में दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखो फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब है कि कोई यानी फ्रैंक है, कहीं भी घूम रही है, फ्रैंक आई ना कोई भी, देखो जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो कोई भी आयन फ्रैंक है मतलब कहीं भी जा सकती है, तो जी यहां से उठिए अपनी पोजीशन छोड़ के यहां पे चलेगी, तो डिफेक्ट तो आ गया, अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं भी चलेगी, फ्रैंक है कहीं भी जा सकती है, अपनी पोजीशन छोड़ के एक अटैक कहीं भी चलेगी, ठीक है, तो इससे कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया, बट ओवरऑल चार्ज तो सेम रहा, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव है, तो स्टोइकोमेट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रल ही रहा ना ये, तो ये स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट है, इसके जाने से ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आया, तो ये स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट है, ठीक है, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट है। अब इसमें डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी सेम रहेगी इस डिफेक्ट के बाद भी, इस डिफेक्ट के बाद भी डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि ये जो आयन उठी है ये क्रिस्टल के अंदर ये बाहर नहीं गई, तो डेंसिटी सेम रहती है। ओके, ये कौन देता है, ऐसे जिसमें मतलब फर्क है, जिनके उसमें साइज में फर्क होता है, जैसे NaI, ठीक है, के BR, ठीक है, AgBr भी देता है, ठीक है, तो ऐसी आइस देती है जिनके साइज में फर्क होता है, साइज में फर्क होने का मतलब कि बीच में इंटरस्टिशियल साइड बड़ी होगी, तो वहां पे कटाइन आसानी से घुस सकती है, ठीक है। अब चीज एक नोटिस करना, AgBr ये जो सिल्वर प्रोवाइड है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी देता है, फ्रैंकल भी देता है और शॉर्ट की भी देता है, ये दोनों डिफेक्ट देता है, फ्रैंकल भी और शॉर्ट की भी, तो क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल याद रखना, AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट भी देगा और शॉर्ट की भी देगा। ओके, सो ये तो आगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें स्टोइकोमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मेरी अगली कैटेगरी आ गई नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स मतलब जिसमें स्टोइकोमेट्री खराब हो जाएगी, स्टोइकोमेट्री खराब हो जाएगी, ठीक है। तो पहला आ गया जी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कि मेटल ज्यादा हो गया, मेटल क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो देखो कैसे होता है, जैसे कैटाइन एनायन, कैटाइन एनायन, कैटाइन एनायन, कैटाइन एनायन, कैटाइन, ठीक है। तो मेटल एक्सेस क्या होता है, यहां पे एक अनायन चली जाती है, जैसे मान लो सीएल नेगेटिव है वो चली जाएगी, ठीक है, सीएल चली जाएगी, इसको हीट करेंगे तो क्लोरीन गैस चली जाएगी और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाती है, तो यहां से क्या होता है कि ये बी नेगेटिव है, तो बी तो चला गया, और इसके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, बी के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको छोड़ जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा। तो देखो इसमें मेटल ज्यादा हो गया, प्लस साइन ज्यादा हो गया, प्लस का मतलब प्लस आर ऑलवेज मेटल, तो इसमें प्लस ज्यादा हो गया, ठीक है, और नेगेटिव कम हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसको आयन नहीं मानना अपने, इसको अपने आयन नहीं मानेंगे कि नेगेटिवली चार्ज आयन है, इट इज जस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसमें मेटल ज्यादा हो गया। नॉन मेटल कौन था, ये बी नॉन मेटल था, दो तीन नॉन मेटल है, और मेटल देखो एक दो तीन चार है, चार्ज की बात नहीं है, मेटल की बात है, मेटल ए ज्यादा हो गया, ठीक है। और यहां पे इसको बोलते हैं एफ सेंटर, ये जो इलेक्ट्रॉन छूट जाते हैं इसको बोलते हैं एफ सेंटर,
और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं तो उसकी वजह से कलर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं, कलर देते हैं, तो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये आ गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें देखो स्टोइकोमेट्री मेंटेन नहीं है, मेटल ज्यादा हो गया, ए ज्यादा हो गया, बी कम हो गया, तो स्टोइकोमेट्री खराब होगी, तो दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, ये भी किसी में ले लो NaCl Br शो कर देते हैं, NaCl KCl शो कर देते हैं। ठीक है, लास्ट डिफेक्ट जो अपन आ गए नॉन स्टोइकोमेट्रिक, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये वो शो करते हैं ना मेटल, जैसे आयरन है, आयरन का क्या हो सकता है, Fe2 पॉजिटिव भी हो सकता है और Fe3 पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, आयरन दो स्टेट में हो सकता है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। सपोज कि क्रिस्टल में Fe2 पॉजिटिव है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना, 6, ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना, 6, ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रिक चार्ज टोटल, तो Fe कितना चाहिए होगा, Fe चाहिए होगा 3 Fe2 पॉजिटिव, ताकि ओवरऑल 6 इलेक्ट्रिक को बैलेंस कर सके। ठीक है, अब कई जगह कैसे होगा कि Fe2 पॉजिटिव लगेगा Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव लगेगा अगर Fe3 पॉजिटिव लगा दें। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए होगा, और 6 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अपने को कितना चाहिए, 2 Fe3 पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो पहले Fe2 पॉजिटिव था तो ये मेटल 3 थे, फिर इसकी कोई दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो मेटल 2 रह गए, तो मेटल तो डेफिशिएंसी होगी ना मेटल की। ठीक है, ओवरऑल चार्ज को छोड़ो पर मेटल की डेफिशिएंसी होगी, पहले 3 था 2 रह गए, बिकॉज 2 प्लस ऑक्सीजन स्टेट थी, बी प्लस ऑक्सीजन स्टेट आ गया, तो इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इससे स्टोइकोमेट्री खराब होगी, मेटल नॉन मेटल के बराबर ना रहा। ओके, सो दीज वर द काइंड ऑफ इफेक्ट्स। अब इसके बाद एक लेक्चर और बचता है, सॉलिड स्टेट समाप्त हो जाएगी। ओके।